आज हम लेकर आए हैं आलू पराठा की रेसिपी, वो भी एकदम ढाबा स्टाइल। तो जिस तरह से ढाबा में आलू पराठा मिलता है ना, एकदम बैलून की तरह फूला फूला, उसी तरह का पराठा आज हम बनाना बताएंगे, वो भी सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जिससे कि आलू पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, एक ही बार में एकदम परफेक्ट पराठा बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। देखिए एकदम फूला फूला पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए झटपट से गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो पराठे के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। देखिए 2 कटोरी गेहूं का आटा मैंने ले लिया है। आटे में 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, साथ ही 1/2 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन ले लिया है। तो अजवाइन को इस तरह से क्रश करके हम आटे में डाल देंगे। तो देखिए मैंने आटे में अजवाइन को भी डाल दिया है, साथ ही 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, इससे आटे फीके नहीं लगेंगे और पराठा एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो अब सभी को ना अच्छे से मिक्स कर देना है। और हमारी एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आज की यह वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे फ्रेंड्स। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने परफेक्ट पराठे बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक को शेयर किया है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और एकदम फूले फूले और सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाएं, जिससे कि एकदम सॉफ्ट आटा तैयार होगा। जब हम कचौड़ी के लिए आटा लगाते हैं तो आटा थोड़ा सख्त रहता है, लेकिन पराठे के लिए हम थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। रोटी के आटे से थोड़ा सख्त और कचौड़ी के आटे से थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाना है। एकदम धीरे धीरे आराम से आटे को लगाना है और एकदम मसल मसल कर सॉफ्ट आटा तैयार करना है। जितना हम आटे को मसल कर आटा सॉफ्ट लगाएंगे ना, उतना ही पराठा सॉफ्ट और फूला फूला बनकर तैयार होगा। देखिए आटे को मैंने अच्छे से लगा लिया है और देखिए इस तरह का टेक्सचर रखना है आटे का। और थोड़े से तेल से मैंने आटे को ग्रीस कर दिया है, जिससे कि आटे ऊपर से सूखेंगे नहीं और एकदम सॉफ्ट आटा बना रहेगा। और आटे को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से इस तरह से ढककर सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए आटे को सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसे पराठे बनाएंगे। तो चलिए हम झटपट से स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। अब हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे। अब राई और जीरा को अच्छे से तड़कने देते हैं। तो अब हम 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे और 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है, तो इसे भी ऐड कर देंगे। मिर्च आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से हरा मिर्च यहाँ पे ऐड करें। अदरक और मिर्च को 1/2 मिनट तक भून लेना है। तो देखिए 1/2 मिनट हो गए हैं अदरक और हरे मिर्च को भूनते हुए। और हम इसमें आलू डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे आलू को मैश करके भी ले सकते हैं, मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। तो आपको जैसा इजी लगे उस हिसाब से आप करें। तो सारे आलू को हम यहाँ पे डाल देंगे कढ़ाई में। अब अच्छे से मिक्स कर देना है, इस तरह से चलाते हुए हम मिक्स कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। चाट मसाला पाउडर ऐड करने से स्टफिंग एकदम चटपटा बनकर तैयार होता है।
साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच अजवाइन ले लिया है और अजवाइन को इस तरह से हाथ से क्रश करते हुए हम डाल देंगे। अजवाइन को हाथ से क्रश करके ही डालें और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कलौंजी ले लिया है। साथ ही स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और बारीक कटा हरा धनिया भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। बारीक कटा हरा धनिया थोड़ा ज्यादा ही ऐड करें, इससे स्टफिंग में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अच्छे से सभी को मिक्स कर देना है। मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक आलू को भून लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए, तो अब स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे कि यह बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद हम गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है और इधर स्टफिंग भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब झटपट से पराठा बना लेते हैं। तो आटे से इस तरह से पोर्शन ले लेना है। तो जिस साइज का पराठा बनाना है उस हिसाब से आटे का पोर्शन ले और इसे इस तरह से पेड़े जैसा बना लेना है। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। तो देखिए सूखा आटा भी मैंने लगा लिया है। तो अब इसे इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए कटोरी जैसा बना लेना है। तो देखिए मैंने कटोरी जैसा बना लिया है। देखिए कितना अच्छे से मैंने बना लिया है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो 1-2 बार में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर आराम से आप बना सकेंगे। अब 2 चम्मच हम स्टफिंग इसमें रख देंगे। स्टफिंग आप थोड़ा कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से चारों साइड से दबाते हुए सेट कर देना है। देखिए इस तरह से मैं एकदम बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए एकदम अच्छे से सेट कर देना है। देखिए अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। तो मैंने अच्छे से स्टफिंग भरकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। तो अब हम फिर से इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और अच्छे से इसे बेल लेना है। देखिए आपको जितना पतला पराठा बनाना है उतना पतला आप बेल लें। मैंने अच्छे से पराठे को बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे झटपट से सेक लेते हैं कि मैंने एक तवा को गर्म कर लिया है। तो चलिए अब तवा पर पराठे को रख देते हैं। तो देखिए मैंने पराठे को तवा पर रख दिया है। तो अब एक साइड अच्छे से सीकने देते हैं। साइड पराठा हल्का सीक गया है, तो चलिए इसे पलट देते हैं। तो देखिए मैंने पराठे को पलट दिया है। तो दूसरे साइड भी पराठे को इसी तरह से सीकने देते हैं। तो दूसरे साइड भी पराठा हल्का सीक गया है, तो चलिए इसे फिर से पलट देते हैं। अब इस पर तेल डालेंगे। तो देखिए मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। अब देखिए कितना फूला फूला पराठा बनकर तैयार हुआ है। तेल एकदम अच्छे से पराठा फूल गया है। इसी तरह से सारे स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी पराठा बनाइएगा तो एकदम फूला फूला पराठा बनकर तैयार होगा। देखिए एकदम अच्छे से पराठा फूल चुका है। तो सेम तरीके से सारे पराठे को बना लेना है। तो देखिए एकदम फूला फूला पराठा बनकर तैयार है। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।